तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे पास टीवीएस की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक बाइक, जो कि है टीवीएस अपाची आरटीआर 162V BS6 मॉडल। और गौर करिएगा, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका 2021 मॉडल है। तो इसे हम लोग 2021 मॉडल टीवीएस अपाची आरटीआर 162V BS6 मॉडल भी बोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि 2021 मॉडल में कंपनी ने क्या क्या नए चेंजेस किए हैं, क्या नए अपडेट किए हैं, और साथ ही साथ इसकी प्राइस कंपनी ने 2021 में कितना रखा है, ऑन रोड प्राइस इसकी कितनी पड़ेगी, कंप्लीट बाइक आपको कितने में देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। और साथ ही साथ वीडियो में ये भी आपको बताएंगे विद प्रूफ के साथ कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये 2020 मॉडल है या फिर 2021 मॉडल है। तो आप लोग अगर इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं विंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कलर वेरिएंट के बारे में। तो इसमें कंपनी कुल 6 कलर प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहला है टी ग्रे कलर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसका जो दूसरा कलर निकल के आता है, वो निकल के आता है पीआरएल व्हाइट कलर। इसका जो तीसरा कलर है, वो है ग्लॉस ब्लैक कलर। और इसका जो चौथा कलर है, वो है ग्लॉस रेड कलर। और इसका जो पांचवा कलर निकल के आता है, वो निकल के आता है मैट ब्लू कलर। और इस बाइक का जो आखिरी और लास्ट कलर निकल के आता है, वो निकल के आता है मैट रेड कलर, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों, अभी तक कंपनी ने इसमें कुल 6 कलर लॉन्च किए हैं, कोई नया कलर कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। जैसे ही कोई नया कलर कंपनी लॉन्च करती है, आपका भाई वीडियो के जरिए आप लोग को बता देगा। तो दोस्तों, ये जो टी ग्रे कलर है, आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये कलर काफी अच्छा लगता है। आप लोग को ये कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको टीवीएस अपाची आरटीआर 162V का कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, किस कलर वेरिएंट का आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि 2021 मॉडल टीवीएस अपाची आरटीआर 162V BS6 मॉडल आपको 2021 में कितने में देखने को मिलेगी। तो गौर से सुनिएगा, इसमें आपको अभी भी आपको दो मॉडल मिलते हैं, जिसमें से पहला है डिश वेरिएंट, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसका जो डिश मॉडल निकल के आता है, इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है, वो है 1,06,100 रुपए एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, यानी कि 1,06,100 एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो दूसरा मॉडल निकल के आता है, वो निकल के आता है ड्रम वेरिएंट, जिसकी एक्सोरूम प्राइस है, वो है 1,03,100 एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, यानी कि 1,03,100 रुपए एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और कंप्लीट 2021 मॉडल टीवीएस अपाची आरटीआर 162V BS6 मॉडल आपको कितने में देखने को मिलेगी, हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन निकल के आता है, वो निकल के आता है टेलीस्कोपी विथ हाइड्रोलिक डंपर सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। और यहाँ पे देखिए, सस्पेंशन के साइड में आप देख सकते हैं सुपर मोटो ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वही सेम आपको पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, जिसकी साइज है 270mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देख सकते हैं ABS का चैन लगाया गया है। गौर करिएगा, इसमें आपको अभी भी आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो फ्रंट टायर निकल के आता है, वो निकल के आता है 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और इसका जो टायर मिलता है ना, वो आपको रिमोरा का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि रेसिंग ट्रैक के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यानी कि इस बाइक में आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी ना, आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसके फ्रंट में आपको और कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको BS6 वाला देखने को मिल जाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके फ्रंट में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम लुक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा, वो आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिलता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि ये हार्ड फाइबर्स बनाया गया है, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम मिलती है। और इसका जो हेडलैम्प निकल के आता है, वो निकल के आता है 35x35 वाट का HS1 हाइलोजन बल्ब मिल जाता है विद LED DRL के साथ। इसके फ्रंट हेडलैम्प में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी जो रोशनी है ना, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, उसको लेके आप लोग को पहले भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके फ्रंट लुक में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको BS6 वाला लुक देखने को मिल जाता है। तो मुझे तो इस बाइक का फ्रंट से लुक काफी अग्रेसिव और काफी अट्रैक्टिव लगता है। आप लोग को इस बाइक का फ्रंट से लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आपको मिल जाता है लो एंड हैवी का स्विच मिल जाएगी, पासिंग स्विच मिल जाती है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। स्विचेस क्वालिटी जो मिलती है ना, आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इग्निशन है ना, वो ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन अभी नहीं हुआ है। लेकिन इसके मीटर कंसोल में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम
आपको सेम ही डिस्टेंबिटर कंसोल मिल जाता है, जो इसके फीचर्स मिलते थे ना, जो इन्फॉर्मेशन मिलते थे, वही सेम आपको BS6 वाला देखने को मिल जाता है। इसमें आपको इंजन माउंट फंक्शन लाइट देखने को मिलेगी। और एक बात और दोस्तों आपको बता दे, काफी लोग यूट्यूब पे कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, इसमें आपको सिंपल मीटर कंसोल मिलता है, जैसा कि आप लोग को पहले देखने को मिलता था। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इंजन किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। और वहीं यहाँ पे देखिए हैंडल बार पे आप देख सकते हैं RTR 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि हर RTR सीरीज के बाइक पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के साइड में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कार्बन मैट ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, काफी मस्कुलर और काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका जो फ्यूल टैंक मिलेगा वो आपको टी ग्रे कलर में मिलता है, लेकिन इसकी जो ग्राफिक्स है ना, वो आपको रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के काउल पे आप देख सकते हैं हॉर्स का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी, अभी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका जो फ्यूल टैंक का काउल है ना, इसमें आपको जो ग्राफिक्स का यूज किया हुआ है ना, इसकी वजह से इस बाइक का जो साइड से लुक निकल के आता है, काफी अग्रेसिव और काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो आप लोग को इस बाइक का साइड से लुक कैसा लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन मिलेगा वही सेम आपको मिल जाता है, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी, वही सेम आपको 159.7 सीसी का SI4 स्टॉक एयर कूल BS6 इंजन देखने को मिलेगी। और इसका जो मैक्स पावर निकल के आता है वही सेम आपको मिल जाता है, जो कि है 15.53 PS का 8400 RPM पे। और इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आता है वो निकल के आता है 13.9 न्यूटन मीटर का 7000 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वो आपको FI सिस्टम मिल जाता है, यानी कि आपका जो पेट्रोल होगा वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी, और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होगा जितना कि आपके इंजन को जरूरत होगी। तो इसका सीधा असर आपके माइलेज पे देखने को मिलेगा। तो अब इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना, वो पहले से और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके अगले फीचर्स के बारे में, तो अब इसमें भी आपको जैसे आपको 4V में GTT टेक्नोलॉजी मिलती है, वैसे इसमें भी आपको GTT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक भी बोल सकते हैं। इसका यूज आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग को इसका यूज नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। इसका यूज ये होता है कि अगर आप लोग किसी ट्रैफिक के एरिया में खड़े हैं, तो आप लोग को पता होगा कि आपको ट्रैफिक में आपको क्या कहते हैं एक्सेलेरेटर और क्लच लेके साथ साथ आपको धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है, लेकिन अब आपको GTT टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग को एक्सेलेरेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जैसे धीरे धीरे आप क्लच को छोड़ते जाएंगे, आपकी बाइक आगे बढ़ती जाएगी, आप लोग की बाइक बंद नहीं होगी, जो कि काफी अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी गई है TVS की तरफ से। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड में आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर वाला आपको फिनिश देखने को मिल जाता है, अपाची लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और वहीं अगर हम बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सीट की कुशनिंग है ना, आपको पहले भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती थी, अभी भी आपको काफी अच्छी कुशनिंग देखने को मिल जाती है। तो इसके सीटिंग कंफर्ट को लेकर आप लोग को पहले भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो पिलियन ग्रैबिल मिलता है ना, वो डिवाइडेड ग्रैबिल मिलता है, जो कि काफी अच्छे डिजाइन के साथ काफी मजबूत ग्रैबिल लगाया गया, जो कि पिलियन राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होता है राइडिंग के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे आप देख सकते हैं RTR 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है काफी अच्छे ग्राफिक्स के साथ, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज के साथ साथ इसमें आपको लेडी फुटेज भी देखने को मिल जाएगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं लेडी फुटेज नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर आप इसमें चाहेंगे तो बाइक को परचेस करते समय इसमें आप एसेसरीज के थ्रू इसमें आप लेडी फुटेज लगवा सकते हैं। तो ये डेली किलोमीटर के साथ साथ ये स्पोर्ट बाइक भी है, तो आपकी जो घर की लेडीज होती है ना, वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है, जो कि काफी सही है। और यहाँ पे देखिए इसका जो चैन सॉकेट मिलेगा ना, आपको गोल्डन कलर में मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। इसका जो चैन मिलेगा ना, आपको लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन मिल जाती है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा केयर करेंगे ना, तो आपके चैन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक निकल के आता है ना, वही सेम देखने को मिल जाता है। टेल लाइट का जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं व्हाइट और रेड कलर की ग्राफिक देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और इसका जो टेल लाइट निकल के आता है वही सेम आपको फुल्ली LED टेल लाइट मिल जाता है, जो कि सेम लुक के साथ मिलता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए अब दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि 2021 मॉडल है या फिर 2020 मॉडल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर फेंडर पे आपको एक व्हाइट कलर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, जिसपे आप देख सकते हैं इस बाइक का मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, जिससे आप लोग कंफर्म हो जाएगा कि ये 2021 मॉडल है, ये 2020 मॉडल नहीं है। और यहाँ पे देखिए नीचे भी आप देख सकते हैं 2021 लिखा हुआ मिल जाता है। तो अगर आप लोग 2021 में इस बाइक को लेने जाते हैं और आप लोग शोरूम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसी बाइक की पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग किसी भी कंपनी की कोई भी बाइक लेने जाते हैं, तो अगर आप लोग उसकी 2021 मॉडल है या फिर 2020 मॉडल है उसको लेके आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग उस बाइक के रियर फेंडर को देख लिया करिए। वहां पे आप लोग को एक ऐसा स्टिकर देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको उस बाइक की आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग बाइक को लेने से पहले वहां से आप लोग कंफर्म कर लिया करिए कि ये 2021 मॉडल है या फिर 2020 मॉडल है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके दूसरे साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पे भी आप देख सकते हैं
RTR 160 लिखा हुआ मिल जाता है व्हाइट और रेड कलर के ग्राफिक के साथ, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं अगर हम बात करें इसके रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा, गौर करिएगा ये इसका डुअल डिस्क मॉडल है, तो इसमें आपको रियर में भी आपको पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है जिसकी साइज है 200 mm का। यहाँ पे देख सकते हैं रियर में आपको ABS का चैन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और इसका जो रियर सस्पेंशन निकल के आता है वो निकल के आता है मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक विद स्प्रिंग एडेड सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। और इसका जो रियर टायर निकल के आता है वो निकल के आता है 110/80 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है ना काफी अच्छा मिलता है, इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना काफी बेसी और काफी स्पोर्टी लगता है देखने में। तो अगर आप इस बाइक को हाईवे पे राइड करते हैं ना, तो इसके एग्जॉस्ट के साउंड की वजह से आप लोग को राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा फील होने वाला है। और यहाँ पे देखिए दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है और साथ ही साथ अपाची की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको किक नहीं मिलता है क्योंकि BS6 अपडेट के बाद लगभग अपाची की सारी बाइकों में से किक हटा दिया गया है। इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का सपोर्ट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो इंजन गार्ड लगाया गया ना, वहाँ पे आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों ये तो इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में, और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ निकल के आता है वो निकल के आता है 2085 mm का। इसका जो हाइट निकल के आता है वो निकल के आता है 1105 mm का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 180 mm का, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है। और इसका जो व्हील बेस निकल के आता है वो निकल के आता है 1300 mm का। इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 790 mm का, जो कि काफी सही सीट है। तो अगर आप लोग की थोड़ी सी हाइट कम भी है ना, तो आप लोग इस बाइक को आराम से कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। और इस बाइक का जो कार्पेट निकल के आता है, अगर आप इसका डिश मॉडल लेते हैं तो उसका जो कार्पेट निकल के आता है वो निकल के आता है 140 kg की। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है 12 liter की, जो कि काफी सही फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में। कि अगर आप लोग 2021 में TVS अपाची RTR 162V BS6 मॉडल लेने जाते हैं तो कंप्लीट बाइक आपको कितने में देखने को मिलेगी, तो इसका जो एक्सोन प्राइस है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा है। अब बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में। तो इसका जो ड्रम मॉडल निकल के आता है उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आप मान के चलिए 1,26,000 से 1,27,000 के बीच में आपको इसका ड्रम मॉडल देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डुअल डिस्क मॉडल आता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो लगभग आप मान के चलिए 1,29,000 से 1,30,000 के बीच में आपको इसका डुअल डिस्क मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है ना, वो मैंने आपको एक लगभग प्राइस बताया है, वो मैंने आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया है क्योंकि आपके एरिया वाइज आपके सिटी वाइज हो सकता है कि इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपको प्राइस बताया है उससे आप लोग अपना एक बजट सेट कर पाएंगे। और अगर आप लोग को इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन प्राइस जानना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां से चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी पे कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन प्राइस जान सकते हैं। तो दोस्तों फीचर्स वाइज इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लुक्स वाइज बाइक बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो प्राइस है ना उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, बाकी बाइक बिल्कुल सेम है, जैसा कि BS6 मॉडल आती थी वैसे ही सेम है। तो कैसी लगी ये बाइक, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पेशली ये जो टी ग्रे कलर है ये आप लोग को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।